Hey guys, बहुत स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। एंड गाइज, आज हमारे पास एक काफी कूल गैजेट जिसके मदद से आप अपने घर के रूम का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को एकदम लाइव ट्रैक कर सकते हो। साथ साथ में इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जिसके बारे में बहुत सारे डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सो मेक श्योर कि चैनल में पहली बार आओ, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। मात्र 1% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, बाकी लोग सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं, दिल से बुरा लगता है। सो मेक श्योर कि चैनल में पहली बार आओ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ कि डब्बे के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे इसके जो MRP है वो 2500 रुपये है। मैंने इसको अमेजोन से काफ़ी सस्ते में बाय किया था, मुझे 1800 रुपये में ये मिल गया था। एंड ऊपर में आपको QR कोड मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी ऐप के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप डाउनलोड करके स्कैन करोगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके के बबल रैपिंग के अंदर में ये आता है। इसके अलावा डब्बे में आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसको साइड में कर लेते हैं एंड बबल रैपिंग से ये काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा, आप इसको चाहो तो फोड़ भी सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इसको फिलहाल साइड में कर लेते हैं बबल रैप को। तो आपको ये तीन चीज़ें मिल जाएंगी बॉक्स के अंदर में। एक आपको थैंक यू कार्ड मिल जाता है ब्रांड की तरफ से, इसके अलावा एक आपको मैनुअल यूज़र मैनुअल गाइड मिल जाता है। एंड यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपको इंस्टॉलेशन में अगर कुछ दिक्कत हो तो आप इनको डायरेक्टली कॉल करके भी कर सकते हो, वैसे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भाई यहाँ पे सब कुछ आपको बता देगा। तो इसको फिलहाल साइड में कर लेते हैं। एंड बात करें इस वाले मशीन के बारे में, तो सबसे पहला जो इसका ओवरऑल जो एक जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, उसका बिल्ड क्वालिटी आप जब देखोगे हाथ में लोगे तो इसका जो ओवरऑल प्लास्टिक का मटेरियल है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आप जब बजट सेगमेंट का आप कुछ इस तरीके का मशीन बाय करोगे तो 400-500 रुपये से वो शुरू हो जाता है, बट उसके अंदर में जो क्वालिटी आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। जो प्लास्टिक की क्वालिटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है। साथ साथ में आपको इतना ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं मिलेगा। इसके हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर एकदम लाइव यहाँ पे बताता रहेगा, साथ साथ में यहाँ पे आपको दिखाएगा कि मिनिमम टेम्परेचर कितना गया था, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया था। एंड इसके ठीक नीचे वाले जब सेक्शन पे आप आते हो तो यहाँ पे आपको आपके घर का ह्यूमिडिटी बताएगा। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा फैक्टर रोल प्ले करता है एक अच्छे एनवायरमेंट के लिए। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी होने से आपके हेल्थ को इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी रहेगा तो वैसे कि इसमें आपके नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। एंड बीच में आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई देगा जिसके ऊपर में एक ब्लैक कलर का लाइन दिखता रहेगा, तो वो आपको बताएगा कि अभी आपके घर का जो टेम्परेचर है एंड जो आपका ह्यूमिडिटी वगैरह है वो किस लेवल का है। अगर ग्रीन जोन के अंदर में मतलब अभी आपका जो सेफ कंडीशन है काफ़ी अच्छा है। एंड नीचे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको टाइम एंड डेट देखने का ऑप्शन। एंड इसको आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे पीछे में चार आपको बटन्स दिखाई देंगे। जो फर्स्ट वाला बटन है इसके मदद से आप इसको डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में आप स्विच कर सकते हो, जिस भी आप मोड में देखना चाहते हो। वैसे इंडिया में मोस्टली लोग डिग्री सेल्सियस में ही देखते हैं, तो आप इसके बटन के थ्रू आप स्विच कर सकते हो। बाकी के जो तीन बटन्स हैं ये डेट को स्विच करने के काम आएंगे। जो सेकंड वाला बटन है इसके मदद से आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हो, आप डेट एंड टाइम को जो भी आप चेंज करना चाहते हो इस वाले बटन से। एंड प्लस एंड माइनस के मदद से आप डेट को ऊपर नीचे कर सकते हो, अपने जरूरत के हिसाब से एक बार डेट को फिक्स कर लेना। एडिशनल फीचर्स करें बात करें तो बैक साइड में यहाँ पे आपको एक क्लिप मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको अपने दीवार पर भी टांग सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप टेबल वगैरह पर माउंट करना चाहते हो तो आप इसको स्टैंड की मदद से आप किसी पर्टिकुलर एंगल पर भी स्विच कर सकते हो। वैसे आप बिना स्टैंड के भी आप इसको वर्टिकली इस तरीके से भी खड़ा कर सकते हो, अपने पैरों पर बड़े आराम से खड़ा हो जाता है। अगर आप कोई बजट सेगमेंट का इस तरीके का मशीन बाय करते हो जिसके अंदर में थर्मामीटर एंड हाइग्रोमीटर बिल्ट इन मिलता है, तो वैसे कि इसमें आपको ये बैटरीज नहीं मिलेंगी। एंड बैटरीज मिलेंगी तो बहुत ज्यादा चीप क्वालिटी की बैटरीज होती है। यहाँ पे आपको ड्यूरासेल की बैटरीज मिल रही है। इस मशीन के अंदर में जो डिस्प्ले का क्वालिटी आपको निकल के आता है वो भी काफी जबरदस्त है। चाहे आप टॉप से देखो, बॉटम से देखो या फिर लेफ्ट राइट से देखो, आपको विजिबिलिटी में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। मेरे कमरे में अभी 600 वॉट का लाइट जल रहा है, उसके बाद भी आप देख सकते हो कि कैमरा में आपको विजिबिलिटी कितना जबरदस्त दिखाई दे रहा है। एंड इसका जो बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको जो बल्ब का साइन दिखाई दे रहा है, जैसे आप इसको हल्का सा टच करते हो तो इसके अंदर भी लाइट में भी जलता है, जो कि आपको रात में काफ़ी ज़्यादा एक हैंडी फीचर आ जाएगा। अगर आप रात में बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने घर के लाइट को जलाए हुए अगर आप टाइम देखना चाहते हो या फिर ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो ये आप बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर आपके लिए आ जाता है। एंड इसका जो क्वालिटी ओवरऑल है आपको काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। आप चाहो तो 400-500 रुपये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो आप, एंड उसके बाद आप इसको यूज़ करोगे तो आपको क्वालिटी में फ़र्क समझ में आएगा। इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी आप प्रीमियम लगता है, आप कहीं पे भी घर में भी लगाओगे इसको तो आपके घर को थोड़ा सा डेकोरेशन का भी एक आइटम के तौर पे भी काम करेगा, साथ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी बेहतर निकाल के देता है। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पर नहीं आओ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, खुद के लिए वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। कोई डाउट वगैरह हो तो एकदम बिंदास होकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड Peace out.